लाइफ डेली HD न्यूज। स्वर्गीय साधना सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में समाज सेवा का जो जज्बा भरा हुआ था उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कोरोना काल में समाज एवं लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लॉयंस क्लब ऑफ इंदौर सनशाइन की स्थापना एवं संस्थापक अध्यक्ष के रूप में श्रीमती साधना सिंह ने समाज सेवा के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। निश्चित रूप से उनकी कमी को पूरा कर पाना असंभव है, परंतु उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उक्त विचार स्वर्गीय साधना सिंह के प्रथम पुण्य स्मरण पर आशीर्वाद बिल्लास गार्डन निपानिया पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं भजन संध्या में उपस्थित गणमान्य जनों ने व्यक्त किए। इस दौरान स्वर्गीय साधना सिंह के पति घनश्याम सिंह द्वारा भी सेवा क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहने की भी सभी ने सराहना की। इस दौरान उपस्थित जनों ने स्वर्गीय साधना सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 एवं लॉयन डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन के तत्वाधान में घनश्याम सिंह एवं परिवार रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत रोटरी क्लब ऑफ इंदौर रॉयल्स आशीर्वाद विल्लास रेसिडेंस एसोसिएशन लॉयंस क्लब ऑफ इंदौर सनशाइन रेसिडेंस यूनियन फॉर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ आउटकम्स डिलीवर्स एवं सोच एनजीओ द्वारा किया गया। आज स्वर्गीय साधना सिंह के प्रथम पुण्य स्मरण पर भजनांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, हाईकोर्ट जज सर्वश्री सत्येंद्र के सिंह, आईपीएस मनीषा पाठक सोनी, डॉक्टर अलका भार्गव, उद्योगपति जितेश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, गोविंद शर्मा डिजियाना, सीएमडी सुखदेव सिंह घुम्मन, किरण घुम्मन, प्रेम परमार दादा, सीए पंकज सेठी, सीए एस के पोरवाल, रवि विवेक सिंह, डॉक्टर दिगपाल धारकर, महेंद्र दिवाकर, अरुण गंगवाल, सीए रोहित महेश्वरी, रोटेरियन गजेंद्र सिंह नारंग, लॉयन रश्मि गुप्ता, लॉयन साधना सोडानी, पार्षद कोमल जीवन पंचोली मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कविता श्रीवास्तव, पंकज सेठी, शैलेंद्र पोरवाल, गौरी तिवारी, पंकज शुक्ला, विजय पंडित, अनुभूति विजन सेवा संस्था के दिव्यांग विद्यार्थी कश्मीरा, भजन गायक सुरेश शर्मा, आशमा मल्होत्रा, प्रिया चौहान एवं अन्य ने भजनांजलि के आयोजन में अपने स्वरों के माध्यम से स्वर्गीय साधना सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत सारी रह गई हैं मुझ में, आप में, हम सब में। मैं बुलाना चाहूंगी सीए इंस्टीट्यूट से सीए पंकज सेठी जी को। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साधना जी के बहुत करीबी रहे हैं, इनसे इनके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, बहुत वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। ये एक साथ में ही भजन गाते हैं, तो भजन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि जो है वो साधना जी को करते हैं।
साधना जी को श्रद्धांजलि देने का कोई तरीका ही नहीं है। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में करा है वो बिरले ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करती रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमारे फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर जितनी महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य की कर्म की शिक्षा मिली है। तो उन्होंने जो बीज बोया है वो फलीभूत होता जा रहा है वो पेड़, और हमें आशा है कि उन महिलाओं के माध्यम से उनकी याद हमारे परिवार में हमेशा जीवंत रहेगी। आपका परिचय? मेरा नाम जितेश अग्रवाल, मैं घनश्याम जी के साथ में काम करता हूँ। श्रीमती साधना सिंह जी वास्तव में एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी, और वो हमारे उनसे पारिवारिक संबंध थे ही, लेकिन वो वास्तव में समाज सेविका थी और ईश्वर की देवदूत थी। लेकिन हमें बहुत दुख है कि वो आज समय हम सबके बीच से वापस उनके लोग को चली गई, क्योंकि जब जब भी हम उनको याद करते थे, लाइन्स क्लब के माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से, हो हमारे निपानिया के शासकीय स्कूल में हमारे निगम तरफ से चेयर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हमने उनसे आग्रह किया था, एक महीने के अंदर ही उन्होंने रोटरी क्लब के माध्यम से चेयर की व्यवस्था करा दी थी। और भी अनेक ऐसे सामाजिक कार्य थे जिसमें भाभी जी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेती थी। आज उनके पुण्य स्मरण पर मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं जीवन नक्चली पार्षद कमल जीवन नक्चली वार्ड क्रमांक 36। आदरणीय साधना सिंह जी के लिए स्मरणांजलि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है जो कि उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित है। लायंस क्लब इंदौर सनशाइन की स्थापना उनने की थी, और स्थापना के बाद से लगातार उनके द्वारा समाज सेवा के लिए हर दिन कार्य किया जा रहा था। कोरोना काल जो गया, वो कोरोना काल में जिस समय पर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था, उन्होंने बिना किसी की परवाह किए जहाँ पर भी सहायता कर सकती थी, जिस भी रूप में सहायता कर सकती थी, उन्होंने हर किसी की सहायता करने की कोशिश करी। मैं यही कहूँगी कि ऐसी शख्सियत, ऐसी पुण्यात्मा कभी भी जाती नहीं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और साधना जी ऐसी ही पुण्यात्मा है जो हमेशा के लिए अमर हैं। उनके जो कदमों के चिन्ह हैं, जो कदमों के निशान हैं, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं पूरे लायंस परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।